तो आज फोर्थ डे है, हम अभी आए हैं जस्ट 2:30 बजे के करीब, क्योंकि हम आज थोड़ा ज़्यादा थकान हो रखी है, 2-3 दिन से ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, है ना, दावतों में चल रहा है इस चक्कर में। तो काफ़ी मैंने 3 ब्लॉग देखे होंगे आपने, उसमें मैंने गर्मी का जिक्र बहुत ज़्यादा किया है, है ना, गर्मी का बहुत किया है, मगर आज खुदा ने हमारी बात सुन ली और मौसम देख रहे हैं एकदम बेहतरीन मौसम हो रहा है दोस्तों। और अभी हम वॉक अपने ट्रफ पे कर रहे हैं, जो भी रनिंग ट्रैक है हमारा, है ना, इस पे कर रहे हैं, और मौसम आई लव यू आरो। और जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे थे शायद उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से दुआ करी होगी, आई थिंक इसलिए मौसम इतना प्यारा हो रखा है कि पूछिए मत। ऐसा मौसम हो रहा है कि आपको कहीं मतलब देखने को नहीं मिलेगा यार, ऐसा मौसम यार क्या मतलब, एक तो नज़ारे इधर से उधर और इधर हरियाली हरियाली, जैसा मैं बेंगलोर में गया था सेम टू सेम वैसी ही कॉपी लग रहा है, समझ में आई। तो और इस व्यू के लिए एक लाइक बनता है, और ज़रूर आप लोग एक लाइक ज़रूर दें एंड कमेंट्स करें अगर आपने दुआ की है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। एंड अब हम अपने एकेडमी हॉल में चलते हैं, तो अभी ब्रेक चल रहा है, ठीक है, 4 बजे स्टार्ट होगा शेड्यूल, अगेन रिपीट होगा, ठीक है, फ़िलहाल ब्रेक चल रहा है, लंच ब्रेक कह लो या जो भी कह लो उसको, जो भी इंक्लूड करना चाहते हो, ठीक है। अभी हम अंदर चलते हैं, फटाफट से, बारिश भी हो रही है यहाँ पर, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेंस पे आप देख रहे होगे कुछ बूंद बांद जरूर आ रही होगी, मुझे पक्का विश्वास है, और हवा भी काफ़ी अच्छी चलने लगी है। तो आज टूर्नामेंट के जो मैचेस होंगे काफ़ी अच्छी तरह से हो सकते हैं, क्योंकि मौसम तो अच्छा हो गया, सब में एनर्जी होगी, तो हमें खुद भी अपने आप को तैयार करना है टूर्नामेंट के लिए, और यही टूर्नामेंट नहीं, हमें काफ़ी टूर्नामेंट खेलना है इंशाल्लाह, अगर कोशिश पूरी करेंगे। देखा थोड़े दिन ही प्रैक्टिस करी, कमर ने दर्द करना शुरू कर दिया, बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो फिज़िकल बहुत अच्छा करना है जैसे मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बोल दिया था। और दूसरा, हम जो रैकेट नया लिया है उसमें काफ़ी यूनिक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम हाथ में पकड़ते मैंने कहा ठीक है भैया, कॉस्ट ऐसी नॉर्मल है, ज़्यादा हाई रेंज में नहीं है, बट समथिंग अभी आपको दिखाने जाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कोशिश करूंगा आज ही उठा लूँ, वरना रात में तो जो रील उठा ही लूँगा, ठीक है। मौसम अच्छा हो रहा है एंड अब एकेडमी के अंदर जाना तो है, मैं इस मौसम को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा दोस्तों। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं आपसे, फिर गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, फ़िलहाल अंदर भी जाना है सर्वर से। सी मौसम ही बदल गया पूरा। सो फाइनली हमारे ब्लॉग में भी यागवन सर आ गए, कोच साहब आ गए, और आज का शेड्यूल मुझे लग रहा है डिले होगा, क्योंकि 3:30 बज गए और भयंकर बारिश हो रही है, ठीक है, और यहाँ हर कोर्ट पे प्रैक्टिस चल रही है, इधर प्रवीण और भैया एंड हिमांशु प्रैक्टिस ही चल रही है, और कोच सर बैठे, विकास सर भी हमारे ब्लॉग में है आज, अभी मैनेजमेंट टीम के और सदस्य ब्लॉग में नहीं आए, रीज़न ये है कि अभी हम काफ़ी लेट आए थे, ब्रेक टाइम पे आए थे, तो सब लोग अपने ब्रेक में बिजी हैं एंड हम यहाँ बिजी हैं, ठीक है। तो आज मुझे एकेडमी में जाने में आई थिंक बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक SMSC स्टेडियम में ही हूँ, है ना, और शुरुआत कर रहा हूँ धीरे धीरे, और बोलना अच्छी तरह आ जाए। तो अभी कुछ दिनों में मैच स्टार्ट होने वाले हैं और ब्रेक टाइम चल रहा था अभी, इसलिए अभी तक मैच चालू नहीं हुए, तो सारे कोर्ट अभी खाली हैं, पूरे 5 कोर्ट खाली हैं। तो अभी 4 बज चुके हैं, शेड्यूल चालू हो चुका है, और बारिश के चक्कर में थोड़ा लेट होगा, वरना तो कम का चालू हो ही जाता, ठीक है। तो चलते हैं और हमें जाना है एकेडमी अपने। तो जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे योग दिवस है 21 जून को 6:00 बजे, और हम तो नहीं आ पाएंगे, मैं अभी लग रहा है मुझे कोई मेहमान है यहाँ आ रहा है जो कि देखने आ रहा है, और आज का आप हमारा ब्लॉग देख चुके होंगे तो पता होगा कि
बाकी हमने पहले ही से इसकी लीक कर दी वीडियो कितनी सारी, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो आज मौसम काफ़ी प्यारा हो चुका है, मौसम देख सकते हो आप पूरा एकदम हरियाली हरियाली, ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी हम आ चुके हैं आदर्श स्पोर्ट, ये अब रहा नहीं आदर्श स्पोर्ट, मगर हम तो यहीं से आए हैं और अभी हम दुर भैया के पास आए और वहाँ से हमें रैकेट अपना नया वाला पिक करना है एंड पुराना वाला। मैं कॉल बैक करता हूँ आपका। ओके तो अभी हमने अपने दोनों रैकेट ले लिए, एक तो धोखे में छोड़ गया था, ठीक है, और एक तो दूसरा खरीद लिया बस। आज मेरे से एक रैकेट टूट गया। रैकेट नहीं टूटा होता तो हम बाई भी नहीं करते। जिस कंपनी का टूटा वही हमने बाई कर लिया और हमें बहुत प्यारा लग रहा था। अभी हम इसको अच्छी तरह आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं एकेडमी लेट हो गए। बाय जी। हमारा ये रैकेट अभी कल ही टूटा है तो हमने एक नया रैकेट लिया है, सेम विक्टर का ही थ्रस्टर, बट वो थोड़ा मॉडल अलग चेंज हो गया है ना। मगर ये गट अगर आप तेज भरवाते हैं तो कोशिश करो कि रैकेट कम ही टकराए उल्टी सीधी जगहों पे। ये मेरा रैकेट उठाने के बाद मैंने थोड़ा सा पटक दिया तो बस टाएँ टाएँ फिस हो गई इसकी। तो कोई नहीं, आज हमारा डे 4 बैडमिंटन का भी कम्प्लीट हो गया भाई। कसम से आज हम काफ़ी अच्छा माहौल हो गया, एकदम मौसम ठंडा हो गया, ऊपर से आज हम कोर्ट पे थोड़ा बहुत खेल भी लिए एंड बहुत सारा, और आज हमारे यागवन सर भी आए। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ऐसी बैडमिंटन से सारी रिलेटेड वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमारे बैडमिंटन टीवी को सब्सक्राइब कर लो, मिर्जा बैडमिंटन टीवी। ओके, उसमें हम टूर्नामेंट के से लेके इन्फॉर्मेशन और रैकेट की इन्फॉर्मेशन सब डालते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।